हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चेतना की दुनिया। देखिए बेबी यहाँ पे आराम से गाने सुन रहा है और आज है दशहरे का दिन, तो हैप्पी दशहरा टू ऑल। और यहाँ पे देखिए मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, मेरी मेड यहाँ पे क्लीनिंग करके जा चुकी हैं। तो दशहरे वाला व्लॉग आज आप लोगों के साथ शेयर हो रहा है। काफ़ी लेट हो गया है आई नो, तो मैं किसी काम में लगी हुई थी इस वजह से व्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं। तो देखिए आज दशहरे का दिन है एंड यहाँ पे मैंने राइस बना दिए हैं, साथ में राजमा बॉईल करने रखे हैं, अनियंस को कट करके रख दिया है पानी में। यहाँ पे बन रही है मॉर्निंग की टी और आज बनने वाली है मलाई सोया चाप। बनी के लिए निकाल दिया है बहुत ही प्यारा सा ड्रेस, क्योंकि बनी का आज फर्स्ट दशहरा है, तो दशहरे वाले दिन हमारे यहाँ टीका होता है। और देखिए दीदी भी आ गई हैं, तो लंच मैंने रेडी कर लिया था इन लोगों के लिए। तब तक मैं मतलब प्रिपरेशन कर रही थी, किचन में पूरा बना रही थी। और देखिए बनी भी नहा धो के यहाँ पे रेडी हो गया है मेरा बेटा, और कितना प्यारा लग रहा है कुर्ता पजामा पहन के और अपनी दीदी के साथ, देखो। और इस तरीके से दशहरे वाले दिन हमारे यहाँ पे पूजा होती है, तो गोबर से बनाए जाते हैं रावण जी के 10 सर और उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि वो काफ़ी बुद्धिमान और विद्वान थे तो इसलिए उनके सरों की पूजा होती है। और यहाँ पे बनी आज बहुत ज़्यादा रो रहा था, इसलिए इसको सब चुप कराने में लगे हुए हैं, क्योंकि बच्चों को ना क्या है, कोई हैवी ड्रेसअप वगैरह कुछ करा दो ना तो इनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो बस यही था। और यहाँ पे देखिए सब यहाँ पे पूजा करेंगे अब, तो बहन बेटी बनाती हैं आके, दीदी ने बना दिए थे और दीदी भी इसको यहाँ पे देखो चुप कराने में लगी हैं जब तक पूजा हो रही है। तो शिवाय के डैडी ने यहाँ पे पूजा कर ली है, शिवाय भी पूजा कर रहा है। देखिए ये लोग मत्था टेकेंगे, उसके बाद करेंगे मेरे ससुर जी यहाँ पे पूजा। तो बस वन बाय वन सबने पूजा करी, तो उसके बाद मैं भी यहाँ पे पूजा करूँगी। जीजा जी तब तक बैठे थे, ये लोग बस खाना बिल्कुल रेडी ही है, तो पहले मैं यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ। और देखिए इस तरीके से होती है हमारे यहाँ पूजा, लड्डू वगैरह का भोग लगाया जाता है इन पर, और जो नवरात्रि की जॉब होते हैं ना वो हमारे यहाँ दशहरे वाले दिन इस तरीके से पूजी जाती हैं। और जब भाई की टीका करते हैं तो उनके कानों पर भी रखी जाती हैं। और इस तरीके से हमने करी दशहरे की पूजा। तो देखिए यहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं चली गई थी किचन में और दीदी ने करा टीका। तो देखिए आज का व्लॉग है दशहरे वाला व्लॉग, और यहाँ पे आज बनी को भी टीका हो रहा है। तो बनी तो बस आज रो रो के इतना परेशान हो रहा था ना बहुत ज़्यादा, जब तक इसका ये ऊपर का जैकेट जो मैंने इसको पहनाया हुआ है ना ये नहीं उतारा था ना, तब तक ये शांत नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा सच में बहुत रो रहा था, देखो। तो देखिए बस दीदी ने यहाँ पे इन लोगों को टीका करा और पापा जी को भी टीका करा दीदी ने, तो जैसे रक्षाबंधन पे टीका होता है ऐसे ही टीका हो जाता है। और उसके बाद बस मैंने लंच प्रिपेयर कर रखा था, क्योंकि दीदी कह रही थी हम लोग ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, इन लोगों को दशहरा देखने जाना था और अपने ससुराल भी जाएंगी दीदी, तो इस वजह से मैंने पहले ही मतलब मॉर्निंग में उठ के खाना वाना सब रेडी कर रखा है। तो देखिए इन लोगों का टीका हो रहा है, उसके बाद बारी आती है फिर मेरी, तो मेरे भी अब टीका होगा। तो दीदी बाहर कर रही है मेरे टीका, क्योंकि मैं किचन में थी तो मैंने यहीं ड्राइंग रूम में ही करवा लिया। और अच्छा लगता है कोई त्यौहार वगैरह आता है अच्छे से, राजी खुशी सबका मनना चाहिए, बस यही होता है। क्योंकि त्यौहारों पे देखो इधर उधर जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है अब बेबी के साथ मेरा, हम लोग भी कहीं दशहरा देखने नहीं गए थे, बस मैं घर में ही थी। और बस यहाँ पे दीदी मेरे लिए लेकर आई हैं सूट, क्योंकि अब आने वाला है मेरा बर्थडे, तो दीदी पहले ही लेकर आ गई थी एडवांस में, मेरा बर्थडे गिफ्ट मिल गया मुझे देखो, और बहुत ही प्यारा बंदेज वाला सूट लेके आई हैं। तो देखिए खाने में बन चुके हैं जीरा राइस, यहाँ पे बना दिए हैं मैंने, और साथ में बनाए हैं राजमा। तो दीदी ने ही फरमाइश किया था कि राजमा बना लियो, उसके साथ हमने बहुत ही डिलीशियस सी यहाँ पे बनाई है मलाई सोया चाप। और बहुत ही टेस्टी क्रीमी वाली ग्रेवी बनी थी, बहुत अच्छी। अनियन रिंग्स मैंने यहाँ पे कट करे थे सैलेड में। तो बस यहाँ पे हो गई थी तैयारी। पूरी वगैरह अब हम लोग अवॉइड करते हैं थोड़ा, पूरी एक्चुअली नहीं खा पाता है कोई भी। यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक रही थी फटाफट और ये मेरे साथ खाना सर्व करवा रहे थे, हेल्प करवा रहे हैं। उसके बाद सब ने यहाँ पे लंच किया, इन लोगों को मैंने लंच करवाया, तो यहाँ पे टाइम हो गया था इनके जाने का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लोग जल्दी जाएंगे, इन्होंने दशहरा मेला देखने जाना है और हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग तो बस घर में ही हैं बेबी के चक्कर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी है एंड उसके साथ क्या क्या रावण जलेगा तो बम वगैरह का डर होता है, तो बच्चे को मैं नहीं ले जा रही हूँ बाहर कहीं भी, तो बस हम घर पे ही हैं। और दीदी और जा रहे हैं यहाँ पे, जिया जी इसके लिए लेके आए थे एक पिस्टल छोटी सी, वो ही इसको दिखा रहे हैं।
कि बस किस तरीके से फोड़नी है। शिवाय ये देखो, और शिवाय बहुत खुश है लेके। तो फूफा जी लाए हैं इसके लिए पिस्टल और दीदी कर रही हैं यहाँ पे आप लोगों को बाय। तो देखिए बस ये लोग अब जा रहे हैं। तो बस यहीं तक था ये वाला व्लॉग। ये लोग तो जाएंगे लवकुश वाली रामलीला में दशहरा मेला देखने, और यहाँ पे हमने घर पे देखा रावण दहन, क्योंकि मैंने टीवी में ही देख लिया था। लवकुश वाली रामलीला का ही रावण दहन है ये। तो यहाँ पे हुई बुराई पर अच्छाई की जीत बोली जाती है, जिस तरीके से रावण दहन हुआ। और हर साल सबके लिए अच्छा शुभ आए ये त्यौहार, पूरे नवरात्रे अच्छे जाएं सबके लिए। उसके बाद एक दशहरा आता है, और दशहरे के बाद क्या होता है, फेस्टिवल तो स्टार्ट ही हो जाते हैं। फेस्टिव सीज़न आ ही गया है, और बस अब तो मैं लगी हुई हूँ घर की तैयारियों में। जल्दी ही ब्लॉग आपके साथ शेयर भी करूँगी अब। और यहाँ पे ना शाम को देखिए बाहर से निकल रही थी झांकियाँ, जुलूस निकलता है ना जो दशहरे वाला, वो था। तो शिवाय और उसके पापा देखने गए थे बाहर, तो रोड पे काफ़ी अच्छी रौनक हो रही थी, काफ़ी बैंड बाजों के साथ इनको लेके जा रहे थे। और यहाँ पे इसने फ़ोटो भी खिंचवाई हनुमान जी के साथ, देखो। तो बस यही दोनों गए थे, छोटा बेबी तो मेरे पास घर में ही था, उसको नहीं ले जाते हैं अभी हम क्राउड एरिया पे थोड़ा। और बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, यू विल बी एंजॉय। तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कीजिएगा। फिर मिलती हूँ जल्दी एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।